अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर स्पाइप शॉप। आज मैं बात करूंगा कॉर्डलेस ड्रिल के वाले से, जो कि ड्रिल मशीन ही होती है लेकिन इसकी कॉर्ड नहीं होती, 220 से नहीं चलता, ये 18 वोल्ट से चलता है। इसका जो ब्रांड है वो है टोटल और इसकी जो मॉडल नंबर है वो है TD318106। 18 वोल्ट पर वर्किंग करता है और 1 से लेकर 15 तक की टॉर्क सेटिंग है। टॉर्क मतलब जितनी ज़्यादा पावर आपको चाहिए किसी भी स्क्रू को टाइट करने के लिए, वो 1 से लेकर 15 तक की पावर इसमें मौजूद है। अगर आप इसको देख सक रहे हो, इसका ये डायल होता है, इससे आप इसकी पावर चेंज कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आपके पास आता है होल करने के लिए, यानी कि जो बिट होती है उसको हम बर्मा कहते हैं, वो कर सुराख करने के लिए। इससे आप लकड़ी में, शीट में, दीवार तक में सुराख इजीली कर सकते हैं। इसका जो इसमें आपके पास ये डायल होता है, ठीक है, डायल के बिल्कुल आगे जो है ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं हम ग्रैबिंग कहते हैं, बर्मा ग्रैब, सो बिट होल्डर कहते हैं। यहाँ से एक दूसरा बटन यहाँ पे ये होता है, ये वाला, तो इसको प्रेस करते हैं हम, तो ये एंटी क्लॉक वाइज और फिर क्लॉक वाइज वर्किंग करता है। ये भी एंटी क्लॉक वाइज वर्किंग करता है और इसको अपने यहाँ से पकड़ के रखना है, यहाँ से ऐसे करके, तो जो भी आपकी चीज़ होगी वो बाहर निकल आएगी। आप मैंने जो लगाया हुआ ये स्क्रू ड्राइवर और अगर मैं चाहूँ से बर्मा लगा सकता हूँ, उसमें ड्रिल टिट लगा सकता हूँ। इसको हमने वापस लगाया और एंटी क्लॉक वाइज का बटन दबा के इसको यहाँ से पकड़ के रखा और ये चीज़ टाइट हो गई। ऐसे अब हम अपनी पसंद की किसी भी किस्म की चीज़ को टाइट कर सकते हैं, सुराख कर सकते हैं हमारे ऊपर। इसमें अगर आप ये इसका एक बटन देखें, ये जो बटन है इसका, ये भी स्पीड कंट्रोल से वर्किंग करता है। जितना मैं हल्का इसको प्रेस करूँगा उतना ही इसकी जो है ये वर्किंग करेगी, जितना ज़्यादा तेज़ी के साथ जोर से मैं दबाऊँगा उतना ही तेज़ ये वर्किंग करेगा। तो इसमें जो डायल है इसके बाद एंटी क्लॉक वाइज बटन है और उसका एक बटन है। ये तीन चीज़ें इसमें मेन चीज़ें होती हैं, इसको वर्किंग करने के बाद आपको समझ में आता है कैसे काम करती है। इसके बाद सबसे नीचे ये जो जगह है ये इसकी बैटरी होती है, 18 वोल्ट की बैटरी है ये। इसका एक ये बटन होता है, इसको प्रेस करके जब हम आगे की तरफ खींचते हैं तो ये बैटरी निकल आती है। ये जो बैटरी है 18 वोल्ट की है और ये टोटल की मशीन के साथ ही वर्किंग करती है, इसके साथ आती है। इसको चार्ज करने का तरीका कार ये होता है, ये जो चीज़ इसका चार्जर है ये भी इसकी बॉक्स में आता है, ठीक है। तो ये जो चार्जर है ये 8 वॉल्ट इनपुट जो है लेता है, 8 वॉल्ट, और आउटपुट देता है 26 वॉल्ट डीसी और 270 MA, जो कि चार्ज करता है इस बैटरी को। इसके साथ ये जो इसका कैप आता है, इसकी कैप इसको ऐसे लगाते हैं स्लिप करके, और जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये आपके सामने दो लाइटें इसकी जल रही होंगी, रेड और ग्रीन। तो रेड का मतलब पावर आ रही है और ग्रीन का मतलब है कि चार्जिंग हो रही है। लेकिन इसको आपने बहुत एहतियात से चार्ज करना पड़ता है कि जब आपको ऐसा फील हो कि जो इसकी ड्रिल मशीन है पावर नहीं दे रही है, अपनी स्पीड पर नहीं चल रही है, फिर आप इसको चार्ज करते हैं मैक्सिमम 4 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे तो बैटरी ख़राब हो सकती है। तो इसका चार्ज करने का तरीका कार ये है कि इस आपने इसको सिर्फ इतना ही चार्ज करना है जितनी आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा इसको चार्ज कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी बैटरी ख़राब हो सकती हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है नई बैटरी मिलना। बैटरी इसकी तकरीबन कोई काफ़ी महंगी मिलती है। तो एहतियात से चलाएँगे तो आपकी जो कॉर्डलेस ड्रिल है काफ़ी अच्छी वर्किंग करेगी। इसका सिर्फ ये वीडियो का जो वजह है बनाने की, वजह ये है कि आपको सिर्फ बताना है कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, वो हम अगली वीडियो से बताएंगे कैसे काम करती है, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं वुडन में, दीवार में सुराख करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वो हम अगली वीडियो से बताएंगे। ये सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि ये कॉर्डलेस ड्रिल होती क्या है, आखिर कैसे चार्ज करते हैं, कैसे ये वर्किंग करती है। अगर आपको ये मेरी टूल्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं देखना चाहते हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही मेरी ये सीरीज़, तो डिसलाइक करें ताकि मुझे पता चले कि भाई अब नहीं बनानी। तो अगर इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा।